स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ए, ये जो सिंबल है ये क्या है, ये सिंबल क्लोज्ड ब्रैकेट जो है ये सिंबल है ग्रेटेस्ट इंटीजर का। जैसे हम देखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे हम कोई वैल्यू है 7.6, तो 7.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 7.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 7। जैसे 9.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 9। तो ये कहां लिखेंगे आप, 7 यहां लिखते हैं, जैसे ये 6, 7, 8, 9 ये कोई पॉइंट से मान लीजिए आपके पास नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं हम, तो 7.6 कहां जैसे आएगा, 7.5 यहां जैसे आ जाएगा 7.6, तो 7.6 मान लो यहां पे आएगा 7.6। तो अगर हम इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर की ये क्या है, ये तो आपका एक रियल नंबर है, ये आपकी फ्रैक्शन है, ये डेसिमल में यहां लिखी गई है, यानी कि ये सब बहुत सारे नंबर्स हैं, इनफाइनाइट नंबर्स हैं, इन इंटीजर्स के बीच में 7 और 8 के बीच में इनफाइनाइट इंटीजर्स हैं, और वैसे ही 6 और 7 के बीच में भी इनफाइनाइट इंटीजर्स हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि इनके जो 7.6 है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है। तो जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करते हैं तो हम इससे पहले वाले जितने भी इंटीजर्स हैं उनमें सबसे बड़ा इंटीजर्स को हम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दैट फंक्शन बोलते हैं। जितने भी इंटीजर हैं इससे पहले 7.6 से पहले जितने भी इंटीजर्स हैं उनमें ग्रेटेस्ट जो है उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलते हैं। इसलिए 7.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन है, 7। 9.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन है, कहा 9.1 जो है आपका यहां जैसे आएगा 9.1, तो 9.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन होगा, 9। इसी तरह 8.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन होगा, 8। 7.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन होगा, 7.5 का भी क्या होगा, 7 होगा। और 6.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 6.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, वो भी 6 ही होगा, क्योंकि 7 में तो हम पहुंच ही नहीं पाएंगे, 7 में तो हम पहुंचेंगे नहीं, क्योंकि 7 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो तो 7 ही होगा। जैसे आपका इंटीजर ही है तो इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर वो इंटीजर इटसेल्फ होता है। 6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटीजर इटसेल्फ, इंटीजर 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इंटीजर इटसेल्फ, लेकिन जो बीच वाले जो नंबर हैं उसके बीच वाले जो नंबर हैं जो रियल नंबर्स हैं उनका जो इंटीजर है उनका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो कौन होगा, जो उन नंबर से जो पहले जो इंटीजर आएगा, पहले बिल्कुल पहले जो इंटीजर आएगा वो जो है ग्रेटेस्ट होगा। यानी कि इंटीजर्स में सबसे बड़ा जो इंटीजर होगा वो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा उस नंबर, उस पर्टिकुलर नंबर से पहले जो आएगा। नंबर जो है किस तरफ को जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, तो उस नंबर से लेफ्ट की तरफ जो इंटीजर होगा वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा। उस पर्टिकुलर नंबर से पहले, उस पर्टिकुलर नंबर से लेफ्ट हैंड साइड को जो इंटीजर होगा वो इंटीजर आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा। कुछ और इंटीजर्स की बात करते हैं, जैसे नेगेटिव इंटीजर्स की, -2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो यहां पर गलती होने के चांसेस रहते हैं, तो इसको इससे भी आप गलती ना करें, इसको भी नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करें। जैसे ये 0 है, ये -1, -2, -3, -4, तो आपका -2.3 कहां होगा, -2.3 आपका यहां जैसे कहीं लाई करेगा, तो ये इसका ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट को आपने इस तरफ से देखना है,
इस तरफ से देखना है, इस तरफ से नंबर इस तरफ को बड़े होते चले जा रहे हैं, इस तरफ को इंक्रीज हो रहे हैं नंबर, तो इन में से जो ग्रेटेस्ट है इंटीजर, ये तो बाद का है, इससे तो कोई लेना देना ही नहीं है, लेकिन हम बात कर रहे हैं -2.3 की। 2.3 में ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन है? -3। इस तरह ही -3.6, -3.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कहां आएगा? -3.6 यानी से आएगा -3.6। -3.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा आएगा? ये इस तरफ, इससे पहले, इससे लेफ्ट में जो इंटीजर है दैट इज -4। तो -3.6 का कौन आएगा? -4। पाई, पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन आएगा? कितनी वैल्यू होती है इसकी? इसकी वैल्यू होती है 3.14। तो इसमें ग्रेटेस्ट कौन है? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 3.14 कहां जैसे आ जाएगा? 3.14 यहां जैसे आ जाएगा। तो इससे बड़ा कौन है? 3। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 3। और माइनस पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? -3.14 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, यानी कि -3.14 यहां जैसे आएगा, 3.14 माइनस का यहां जैसे आ जाएगा। तो इससे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन है? इससे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर है -4। देखो दोनों में कितना डिफरेंस है, जबकि पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 है और माइनस पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 नहीं है, -4 है। तो इस चीज का ध्यान रखना है, खासकर इसमें नेगेटिव नंबर का जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते हैं तो गलती होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए इसको जब भी सॉल्व करें तो नंबर लाइन के ऊपर सॉल्व करें। इस सब का मतलब ये हुआ कि अगर एक्स बिलोंग करता है 1 क्लोज्ड और 2 ओपन को, इससे हमारा मतलब है कि 1 में जो है 0, 1, 1, 2, इसमें इंक्लूडिंग वन और एक्सक्लूडिंग टू, बीच वाले सभी के सभी नंबर्स आ रहे हैं 2 को छोड़कर। बीच वाले सभी के सभी नंबर आ रहे हैं 2 को छोड़कर, तो उन सब का ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन है? 1। उन सब का ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन है? 1। इसी तरह अगर x बिलोंग कर रहा है 2, 3 को, यानी कि 2 क्लोज और 3 ओपन, मींस 2 इंक्लूड है और 3 इंक्लूड नहीं है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा इसका? 2, मींस ये है आपका 3। तो 2 इंक्लूड है, 2 इसमें इंक्लूड है, या इसको अलग बनाते हैं, ये आपका 2 इसमें इंक्लूड है, जबकि 3 इसमें एक्सक्लूड है, 3 इसमें इंक्लूड नहीं है। तो इसमें जो नंबर्स हैं, इनके बीच वाले जो इनफाइनाइट नंबर है, इनफाइनाइट डेसिमल नंबर्स हैं, वो सब के सब इसके बीच में आएगा, उन सब का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो 2 होगा, क्योंकि सबका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो 2 होगा, 3 नहीं होगा। जबकि अगर एक्स बिलोंग कर रहा है 3 क्लोज और 4 ओपन को, ये देखो 3 क्लोज, क्लोज मीन्स 3 इसमें इंक्लूड होगा, जबकि 4 ओपन होगा, यहां से लेकर के 4 से पहले तक के, यानी कि 3.999 वेरी क्लोज टू 4, उन सब का बीच के सब का जितने भी डेसिमल नंबर्स हैं, उन सब का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा 3 ही होगा, उन सब का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा 3 ही होगा। इसी तरह आपका जो 4 इंक्लूड और 5 एक्सक्लूड है, इन सब का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा ये 4 इंक्लूड और 5 एक्सक्लूड नहीं है, तो 4 से आगे, 5 से पहले 4.999 इसको इंक्लूड करके जितने भी डेसिमल नंबर्स हैं बीच में, उस रैशनल नंबर्स हैं, रैशनल इरेशनल, उन सब का जो
ग्रेटेस्ट इंटीजर है सबका, ग्रेटेस्ट इंटीजर फोर ही रहेगा, सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर फोर ही रहेगा। तो इस तरह हमने देखा, इसका जो है हम एक ग्राफ बना सकते हैं। तो यहां पर अगर आप 1.2 भरते हैं 1.2, तो उसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन होगा, उसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही होगा, और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 1 ही होगा, और 1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही होगा, 1.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा, 1.5 का भी 1 ही होगा, 1.6 का भी 1 ही होगा, 1.7 का 1 होगा, इस तरह जितने भी पॉइंट्स इनके बीच में है उन सब का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो 1 ही रहेगा, और आपका 1.999 का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो भी 1 ही रहेगा, तो आपका 2 नहीं होगा, इसलिए इसको हम यहां पर छोड़ देंगे, तो वो जो है आपका ऊपर चल जाएगा 2 में। तो ये आएगा आपका यहां तक जितने भी इंटीजर्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर्स, यहां पर जितने भी नंबर्स हैं उन सब का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही होगा, 1 इंक्लूड है, 1 ही होगा। इसी तरह 2.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा, और 2.1 का भी 2 ही होगा, 2.2 का भी 2 ही होगा, इसके बीच में 2 और 3 के बीच में जितने भी नंबर होंगे उन सब का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो 2 ही होगा, और 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 होगा, लेकिन वो तो ऊपर आएगा, राइट। तो जितने भी इंटीजर होंगे 3 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 3 ही होगा, और 3.1 का भी 3, 3.2 का भी 3, 3.3 का भी 3, 3.4 का भी 3 होगा, 3.5 का भी 3 होगा, और 3.99999 सबका जो है 3 ही होगा, जबकि 4 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो 3 नहीं होगा, तो उसको हमने इस तरह मेंशन करना है। और इसी तरह 4 इस तरह 4.1 का 4 का 4.1 का, तो इनका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो सब के सब हम इस तरह ही मेंशन करेंगे, 4 से लेकर 4.999 तक सबके जो ग्रेटेस्ट इंटीजर हैं वो 4 ही होंगे, और इसी तरह 5 से 5.9999 तक के जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होंगे वो भी 5 ही होंगे। तो उसी प्रकार 0 यहां पर 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 0, 0.2 का भी 0, 0.3 का भी 0, तो इन सब के जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होंगे वो भी 0 ही रहेगा। तो इसी तरह ये जो है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है ऐसे बनेगा, नेगेटिव नंबर्स के भी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर हैं वो आपके इसी तरह से ही बनेंगे, 2 से -1 के बीच, और यहां पर 3 से -2 के बीच, और यहां पर -3 से 4 के बीच में जितने भी नंबर होंगे उनका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो -4 होगा, -1 से -2 के ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है -2 होगा, और इसी तरह जो है आपका -4 से -5 के बीच के जो नंबर हैं उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -5 होगा, उनका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो होगा -5, और इन नंबर्स के बीच का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो -4 होगा, और इनका ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 होगा, इनका ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 होगा, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 होगा। इसका इन नंबर्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5 होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर इन सब का। तो इसी तरह जब हम इस लाइन को हम ज्वाइन करते हैं तो ये क्या बनती है, आपकी लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास होती है, और इस लाइन को हम बोलते हैं, कौन सी लाइन बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हम y = x which passes through the
ओरिजिन स्ट्रेट लाइन बनती है विच पासिस थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से होकर के ये पास होती है। तो ये है ग्राफ आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर।